तो हेलो ऑल। सो आज हम देखेंगे कि हम पाइथन का यूज़ करके एक्सेल फाइल हमारी कैसे रीड कर सकते हैं। एक्सेल एमएस एक्सेल की जो फाइल्स होती है उसे कहा जाता है। उसका जो फॉर्मेट है वो एक्सेल एसएक्स भी होता है या एक्सेल एस भी होता है, सिंपली एक्सेल एस। तो ये दोनों फाइल्स को हम कैसे रीड कर सकते हैं वो हम देखेंगे पाइथन का यूज़ करके। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने एक फाइल पहले से ही रखी है इस पर्टिकुलर लोकेशन पे, उसका नाम है imputed_data.xlsx। अब हमें जब भी एक्सेल की फाइल पाइथन में रीड करनी हो तो सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है कि हम पांडास की लाइब्रेरी का यूज़ करें। तो हम सबसे फर्स्ट क्या करेंगे, इंपोर्ट पांडास एज पीडी हमने कर दिया। सेकंड हम क्या करेंगे, हम पाथ को डिफाइन कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा पाथ भी डिफाइन हो गया है। अब पाथ डिफाइन होने के बाद हमें क्या करना होता है, फाइल का नाम दे देंगे हम, या फिर हमें डेटा जिस पर्टिकुलर वेरिएबल में स्टोर करना है हम वो वेरिएबल का नाम दे देंगे। तो यहाँ पे हम सिंपल एक लिख देते हैं एक्सेल डेटा, ओके। अब इसे हमें कहाँ से रीड करना है, तो हम पहले क्या लिखेंगे, पीडी डॉट। तो हमारा जो पीडी है वो पांडास लाइब्रेरी को डायरेक्ट करता है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, रीड एक्सेल। तो अभी जैसे हमने लास्ट टाइम रीड सीएसवी किया था वैसे ही अभी जब हमें एक्सेल फाइल रीड करनी है तो हम रीड एक्सेल करेंगे, ओके। अभी रीड एक्सेल करने के बाद हमने ये सेव कर दिया। अब हमें चेक करना है कि ये प्रॉपरली हमारा लोड हुआ है या फाइल या नहीं। तो अगर हमने ये लोड किया और इसके बाद हमें आउटपुट जो मिल रहा है वो हमारे एक्सेल से एक मैचिंग है या फिर उसका ग्लिम्स है यहाँ पे, देन हम सिंपली से कह सकते हैं कि ये जो फाइल है वो हमारा करेक्टली जनरेट करेक्टली रीड हुआ है, ठीक है। तो अभी हमने इसे रन किया है पर्टिकुलर प्रोग्राम को और आप देख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे हमारा आउटपुट आया है। इसमें 244 रोज 7 कॉलम्स प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये एक वे हुआ हमारा एक्सेल को रीड करने का। अब क्या होता है कुछ कुछ केसेस में, मतलब जैसे अभी हम यहाँ पे एक एक्सेल है मेरे पास, मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। ये हमारा एक्सेल है, इसका मैं जस्ट कॉपी बना लेता हूँ और इसको ओपन करता हूँ। तो कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास मल्टीपल शीट्स होते हैं एक एक्सेल में, तो हम मल्टीपल शीट्स कैसे रीड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ जैसे इम्प्यूटेड डेटा_data एक शीट है और ये डेटा टू एक शीट है, ठीक है। ये टू में थोड़े कॉलम्स कम है, यहाँ पे कॉलम्स ज़्यादा है। तो ये जस्ट एक सैम्पल है, बट हमारा यूज केस कुछ अलग भी हो सकता है इन एक्चुअल सिनेरियो। तो वैसे केसेस में हमें क्या करना होता है कि अभी हमने जो भी रीड किया वो हमारा बाय डिफॉल्ट जो एक्टिव रहता है शीट, जैसे अभी मैं इस पर्टिकुलर शीट पे और इस पर मैंने सेव करके क्लोज कर दिया, तो ये हमारा एक्टिव शीट होता है, ठीक है। अब ये एक्टिव शीट हमारा कभी भी हम जब एक्सेल फाइल रीड करेंगे और मल्टीपल शीट्स है उसमें, तो उसमें से जो एक्टिव शीट होता है हमारा सिर्फ उसे ही वो प्रिंट करेगा, उसे ही कंसिडर करेगा। लेकिन अगर हमें कोई दूसरा शीट यूज़ करना है, जैसे अभी इसमें आप देखोगे तो टोटल 7 कॉलम्स है, ठीक है। तो ये हमारा एक्टिव शीट था इसलिए ये एक्टिवली उसमें अब प्रिंट हो गया हमारे इस आउटपुट में, आप देख सकते हो, ठीक है। अगर अभी मुझे ये पर्टिकुलर स्पेसिफिक शीट यूज़ करनी है तो मुझे क्या करना होगा, इसका पर्टिकुलर नेम ले लेंगे हम शीट का, ठीक है। वो शीट का नेम लेके हम यहाँ पे, ठीक है, शीट नेम इक्वल टू ये शीट का नेम हमने डाल दिया। अब ये शीट का नेम जैसे ही हम डालेंगे तो ये उसे कंसिडर कर लेगा हमारे आगे का प्रोसेस करने के लिए, ओके। अभी हम इसे रन करते हैं, रन करने के बाद हमें ये उस पर्टिकुलर शीट टू से हमें डेटा इंपोर्ट करके दिखाएगा। सॉरी, आई थिंक आई मेड वन मिस्टेक। तो ये जो शीट नेम है इसके जगह ये अंडरस्कोर आएगा, ये होता है हमारा एक्चुअली इनपुट आर्ग्यूमेंट है, तो एक अंडरस्कोर की वजह से एरर दे रहा था, बट अभी आप देख सकते हो यहाँ पे हमने शीट का नेम एंटर किया है, ये रीड कर रहे हैं इस पर्टिकुलर पाथ पे, और यहाँ आप देख सकते हो कि 5 ही कॉलम आए हमारे पास। अब लेट्स चेक कि हमारे शीट टू में कितने कॉलम हैं, तो ये 5 ही कॉलम है। आप यहाँ चेक कर सकते हो कि ये काउंट 5 दिखा रहा है, मतलब यहाँ पे 5 कॉलम्स है। तो हमने स्पेसिफिकली यहाँ पे दो शीट नंबर 2 ही यूज़ किया है, ठीक है। अब अगर हमें शीट नंबर 1 का डेटा चाहिए, ठीक है,
तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जस्ट मैं अलग एक वेरिएबल नाम दे देता हूँ, ठीक है, और ये हमारा इम्प्यूट डेटा हो गया। अब क्या करेंगे हम, शीट टू को भी, शीट टू को हमने जैसे प्रिंट किया है वैसे हम शीट वन को भी प्रिंट कर देंगे। ओके, तो हमें यहाँ पे दोनों का एक ग्लिम्स मिल जाएगा। तो अभी जस्ट मैंने दोनों को साथ में लिया है ताकि हमें अच्छे से क्लियर हो जाए कि दोनों पैरेलली वर्क कर सकते हैं दोनों डेटा पे। तो अभी यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारे पास ये दोनों डेटा आया है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो हमारा अपर पोर्शन है ये हमारा शीट टू का डेटा है, और ये जो हमारा लोअर पोर्शन है ये हमारा शीट वन का डेटा है। इसमें आप देख सकते हो 7 कॉलम्स है, और इसमें जो फर्स्ट शीट है हमारा उसमें 5 कॉलम्स है। तो इस हिसाब से हम रीड कर सकते हैं कि अलग अलग शीट्स में कौन कौन सा डेटा प्रेजेंट है, वो सारे शीट का नाम हमें पता होना चाहिए, उसके हिसाब से हम रीड कर सकते हैं। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हम शीट का नाम कैसे पता करें कि कौन सा शीट, मतलब कौन कौन से शीट प्रेजेंट है। कभी कभी क्या होता है, एक्सेल शीट में बहुत बड़े बड़े हम कह सकते हैं कि अलग अलग नाम के 10 या 15 शीट्स होते हैं प्रेजेंट, तो उससे हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो वो फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास, अभी मैं एक काम करता हूँ, मैं जस्ट टाइमिंग के लिए एक दूसरी शीट बनाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमें ओपन पाई एक्सेल यूज़ करना है। ये ओपन पाई एक्सेल जो है ये स्पेसिफिकली एक्सेल शीट को रीड करने के लिए या फिर कुछ एक्टिव मॉडिफिकेशंस या ऐसे करने होते हैं तो उसके लिए हम इस पर्टिकुलर चीज़ को यूज़ करते हैं। इवन हम पांडास भी यूज़ करते हैं, तो उसमें पांडास में भी कुछ कुछ ऐसी फंक्शनैलिटीज़ है जो ओपन पाई एक्सेल का यूज़ करके हम यूज़ कर मतलब जनरेट करते हैं पर्टिकुलर एक्सेल को, ठीक है। सेकेंड थिंग क्या है कि हमें नेम चाहिए इस पर्टिकुलर फाइल का, ठीक है। तो हम ये पर्टिकुलर फाइल का नेम ले लेते हैं जो हमें रीड करनी हो। अब इसे हम सेव कर देते हैं, तो सेम लोकेशन पे हम सेव कर रहे हैं इसे। तो अभी के लिए हम इसे नाम देंगे शीट जनरेशन, ओके डॉट पाई। तो ये हमारा पर्टिकुलर फाइल का नाम हो गया। अब हमें क्या करना है, जो हमारा वर्क जनरली क्या, उस पर्टिकुलर शीट को या डेटा को हमें कुछ नाम दे सकते हैं, तो हम आइदर एक्सेल शीट नाम देते हैं या एक्सेल वर्कबुक नाम देते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब एक्सेल वर्कबुक को हम क्या करेंगे, लोड, ठीक है, अंडरस्कोर वर्क बुक। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, लोड वर्कबुक आने के बाद ये जो पर्टिकुलर फाइल है हमारी उसे हमें इस लोकेशन पे एंटर करना है एंड देन सेव करना है, ठीक है। अब हम हमें क्या चाहिए, शीट का नाम चाहिए, करेक्ट। तो शीट का नाम के लिए हमारे पास क्या फंक्शन है, तो ये जो हमारा वर्कबुक हमने अभी लोड किया है, ठीक है, ये जो लोड वर्कबुक है इस एक्सेल अंडरस्कोर WB में हमने लोड किया है, इसको डॉट लगा के हम देख सकते हैं कि इसमें ऑप्शंस क्या क्या है। तो हमारे पास शीट नेम्स है, ठीक है। तो हमें ये जो शीट नेम्स है ये हमें जितने भी उस पर्टिकुलर एक्सेल में जितने भी शीट्स होंगे वो सारे के सारे हमें पॉपुलेट करके वो दे देगा, ठीक है। तो अभी हम इसे रन करके देखते हैं तो ये क्या आता है यहाँ पे, तो इट्स टेकिंग या सो आई थिंक इट्स वेरी क्विक आई कैन सी। तो आप यहाँ देख सकते हो कि दो एक दो शीट थे, तो दो शीट का यहाँ पे नाम आ गया, ठीक है। अभी आपको अगर जस्ट एक ट्राई करना है तो हम क्या करेंगे, इनपुट डेटा यूज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम एक ऐसे ही शीट डाल देते हैं जस्ट एक रैंडमली, इसका नाम हम देते हैं टेस्ट शीट, ठीक है। इसमें हम डेटा कुछ भी नहीं रखेंगे फिलहाल, सिर्फ हम टेस्ट अंडरस्कोर डेटा रखते हैं और इसके नीचे हम यहाँ पे सक्सेस करके लिख देते हैं, ओके। और ये हमने जस्ट एक टेस्टिंग के लिए रखा है, तो ये हमारा टेस्ट शीट है। देखते हैं हम कि हमारा प्रोग्राम जो है वो इसे रीड कर पाता है या नहीं, ठीक है। तो अब हम इसे रन करते हैं, रन करने के बाद वो आइडियली हमें 3 शीट्स का लिस्ट रिटर्न करना चाहिए। तो या
यहाँ आप देख सकते हो कि हमारे पास एक दो और ये तीन शीट का लिस्ट आ गया, मतलब हमारी जो टेस्ट शीट हमने अभी ऐड की थी वो भी हम यहाँ से ले सकते हैं। तो जनरली हमें क्या करना है कि हमें अगर पहले पता करना हो कि एक्सेल शीट में कितने नंबर ऑफ शीट्स है, तो हम ओपन पाई एक्सेल यूज़ करेंगे, उस नंबर ऑफ शीट्स का नेम्स भी हमें मिल जाएगा। फिर उसके बाद अगर हमें पांडास यूज़ करना है, तो हम पांडास में वो स्पेसिफिक शीट्स को रीड करके उसका डेटा लोड करके, फिर उसके बाद हम अपने डिफरेंट प्रोसेसिंग उस पर्टिकुलर डेटा पे करके उसे फिर से हम सेव कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आपको अगर कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, मैं उसके ऊपर क्लैरिफिकेशन देके एक नया वीडियो बना के आपको दूंगा। थैंक यू।